गुड आफ्टरनून बच्चों, क्या वेलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मोहड़ा आपका स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम वसंत किताब में, ठीक है, आठवीं कक्षा के वसंत भाग तीन इस किताब में यह सबसे कठिन समय नहीं इस पद्य के बारे में हम चर्चा कर रहे थे बच्चों, ठीक है। पिछले कक्षा में हम पद्य में आए हुए नए शब्द और पद्य का संदेश क्या, ठीक है, मतलब इस पद्य का उद्देश्य क्या है। कवयित्री जया जादवानी इस पद्य से हमें क्या संदेश देना चाहती है, यह सब विषय चर्चा करते हुए पहला पद का भावार्थ भी हम देख लिए थे बच्चों। तो पहला पद मतलब नहीं है सबसे कठिन समय नहीं, वहां से लेकर होगा प्रतीक्षा, यहाँ तक हम पहला पद इस तरह भाग कर लिए थे। भाग करके पहला पद का भाव हम देख लिए थे बच्चों। आइए, तो इस आज इस कक्षा में क्या आप कल सुने थे उस पद भावार्थ का चर्चा करें। देखो, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, कवयित्री कहती है, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। तिनका मतलब लकड़ी का एक टुकड़ा या घास, ग्रास बोलते हैं ना, हुल्लू, ठीक है। इसका अर्थ होता है कि अभी नहीं यह कठिन समय नहीं, मतलब जिस तरह चिड़िया कौन सा भी मौसम होने दो, बरसात का हो, ठीक है, ठंड का हो, हाँ, या गर्मी का हो, कौन सा भी सीजन या मौसम होने दो, तो उसका काम वह नहीं छोड़ता, समझ में आ रहे ना, मतलब वह अपना घोंसला बनाने के लिए वो क्या करता है, इधर उधर घूम कर क्या करता है, वो उस घास को इकट्ठा करते हुए अपने मुंह में वो पकड़ कर ले आता है, आकर वो क्या करता है, उससे घोंसला बनाता है, समझ में आ रहे ना। इसलिए उन्होंने कहते हैं नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, ये तो बहुत कठिन समय नहीं है, समझ में आ रहे ना। चिड़िया तक अपने काम में तल्लीन है, समझ में आ रहे ना, समय का उपयोग कर रहा है, तो हम क्यों यह कठिन समय है ऐसा समझना है, हम भी क्या करना है, वह एक ठीक तरीके से काम में भाग लेना है, इसलिए यह एक कठिन समय नहीं है। देखो, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी दबा है, मतलब अभी भी वह चिड़िया के मुंह में, दबाने से मतलब तलु, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, ठीक है, तिनका मतलब वही ग्रास या घास, हुल्लू, और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झरती हुई पत्ती, वह उड़ने की तैयारी में है, तो घोंसला बनाने के लिए या घर बनाने के लिए वह चिड़िया वह घास लेकर उड़ने के लिए तैयार है, ठीक है, और अभी भी झरती हुई पत्ती, ठीक है, पत्तियां मतलब वे लीफ, उड़ने के लिए तैयार है, अभी भी झरती हुई पत्ती, झरना मतलब गिरना, ठीक है, गिर रहे हैं पत्ती, ठीक है, थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है, स्टेशन पर अभी अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। देखो इधर है, थामने को बैठा है हाथ एक, थामना मतलब पकड़ना, पकड़ने के लिए एक हाथ बैठ गया है, ठीक है, और अभी भी स्टेशन पर यात्रियों का समूह इकट्ठा होकर इधर मिला है, इकट्ठा होना मतलब मिलना, सभी उधर क्या हुए हैं, उन्होंने इकट्ठा हुए हैं, और उन लोग ने क्या कर रहे हैं, रेलगाड़ी की इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, तो एक रेलगाड़ी अभी आ रही है उन लोगों को, उन लोगों के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, वे लोग कहां जाने वाले हैं, वहां तक उन लोगों को पहुंचाने के लिए एक रेलगाड़ी भी अभी आने वाला है, ठीक है, जहां कोई हर रहा होगा प्रतीक्षा, देखो जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, तो और कोई उनका प्रतीक्षा कर रहा होगा, तो इसलिए यह सब चल रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए कवयित्री यह सब देखकर कहती है यह सबसे कठिन समय नहीं है। देख लो बच्चों, यहां तक हम पिछले कक्षा में भावार्थ लिख लिए थे, तो भावार्थ देख लो अब, तो कल क्या
सुने थे वो लिखने के लिए कहा था मैं आपको, ठीक है। अब फिर और एक बार उसको मैं इधर पढ़ते हुए आपको उसका अर्थ समझाता हूँ। देखो इधर है, जया जायवा जायवानी जी एक आशावादी लेखिका है, ठीक है। मन में से बहुत आशा की भावनाएं हैं और आशावादी दृष्टिकोण रखती है अपने जीवन में। उनका यह कहना है कि अभी सब कुछ सरल तरीके से हो रहा है, सभी सरल मतलब आसान तरीके से हो रहा है, ठीक है। तरीका मतलब एक ढंग पद्धति, अर्थात अभी कठिन समय नहीं आया है। लेखिका कहती है कि अभी भी चिड़ियां अपना घोंसला बनाने के लिए प्रयासरत है। प्रयास मतलब प्रयत्न, ठीक है। ये तो कठिन समय नहीं है, क्योंकि अभी अभी भी चिड़ियां अपना घर बनाने के लिए वे घास की इकट्ठा कर रहे हैं। तो इधर उधर घूमकर वे क्या कर रहे हैं, घास ले आ रहे हैं। तो इस तरह यही एक ही नहीं और कुछ उदाहरण लेते हैं उन्होंने, ये सब क्या हो रहे हैं, सरल तरीके से चल रहे हैं, इसलिए यह सबसे कठिन समय नहीं है। और कहते हैं उन्होंने, घोंसला बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। कठिन समय नहीं, लेखिका कहती है कि अभी भी चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए प्रयासरत है और वह उड़ने की तैयारी में है। अपनी क्रियाकलाप करने के लिए अपने घोंसला बनाने की तैयारी में जुटी हुई है और उड़ने के लिए भी तैयार है, अर्थात सब काम सहज और सरल तरीके से हो रहा है। तो यह नहीं कहा जा सकता है कि कठिन समय आ गया है। देखो इधर, चिड़िया तो अपना घर बनाने के लिए वह क्या कर रहा है, इधर उधर घूमकर घास की इकट्ठा कर रहा है। तो घास ढूंढकर अपने मुंह में ले आ रहा है, क्योंकि वह ले आकर उसने क्या करता है, वह अपना घर बनाता है, ठीक है। फिर वह चिड़िया उड़ने के लिए भी तैयार है। तो इस तरह यह सब काम अपने आप सरल तरीके से या सरल ढंग से चल रहे हैं। यह सब देखकर लेखिका कहती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, या सबसे कठिन समय नहीं आया है। अभी भी लोग दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, अर्थात गिरते हुए पत्तों को भी थामने के लिए कोई बैठा है। देखो अभी भी इस दुनिया में लोग दूसरों को मदद करने के लिए तैयार है, मतलब उसका अर्थ होता है कि पेड़ से नीचे गिरने वाले पत्तों को पकड़ने के लिए कोई है, ठीक है। मदद करने के लिए तैयार रहते, अर्थात गिरते हुए पत्तों को भी थामने के लिए कोई बैठा है। अभी भी लोग स्टेशन पर आते जाते रहते हैं, स्टेशन, ठीक है, आते जाते रहते हैं। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है, रेलगाड़ी अभी भी यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उनकी मंजिल तक ले जाती है, जहां कोई उनका अभी भी प्रतीक्षा कर रहा होगा। रेलगाड़ी उनको अपनी मंजिल तक लेकर जाती है, अर्थात यह सभी क्रियाएं स्वाभाविक रूप से हो रही है। तो यह नहीं कहा जा सकता है कि यह समय की शुरुआत हो गई है, ठीक है। देखो इधर, तो लेखिका कहती है इस तरह, तो पेड़ से नीचे गिरने वाले पत्तियों को भी पकड़ने के लिए कोई बैठा है। तो इसका अर्थ होता है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग कष्ट में होते हैं, ठीक है, कष्ट भोग रहे हैं, और कोई एक ओर से, ठीक है, कोई आकर उन लोगों को मदद करने वाले भी हैं। तो उस समय वे लोग समझते हैं, तो आपकी एक वेशभूषा में भगवान ही हमें मदद किया है, ठीक है। तो इस तरह जो लोग कष्ट में होते हैं उन लोगों को भगवान, तो कोई और एक दूसरा रूप में आकर उन लोगों को मदद करता है। तो उसी तरह स्टेशन में यात्री लोग ने क्या कर रहे हैं, आते हैं फिर वे बाहर जाते हैं, क्योंकि उन लोग तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाले हैं, दूसरा गांव जाने वाले हैं,
क्योंकि उधर उन लोगों के लिए कोई प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वेट, ठीक है। तो इसलिए वह रेलगाड़ी क्या करती है, उन लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचती है। मंजिल मतलब लक्ष्य, गुरी। उन लोगों को अपने लक्ष्य तक वह रेलगाड़ी पहुंचाती है। तो इसलिए यह सब क्या है, एक सरल ढंग से चल रहे, स्वाभाविक रूप से चल रहे हैं। यह सब देखकर लेखिका कहती है तो यह कठिन समय नहीं है। क्या कठिन है उसमें, हर एक काम अपने आप सरल रूप से चल रहे हैं। देखो फिर कहती है उन्होंने, गिरते हुए लोगों को थामने के लिए, उनकी मदद करने के लिए व्यक्ति तैयार होता है और स्टेशन पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। यात्री आ रहे हैं, जा रहे हैं, रेलगाड़ी उनकी मंजिल तक पहुंचा रही है और कोई उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। यह सब स्वाभाविक और सहज तरीके से हो रहा है, तो अभी नहीं कहा जा सकता है कि कठिन समय आ गया है। देखो और कहते हैं उन्होंने, कोई व्यक्ति कष्ट में हो तो उन लोगों को मदद करने के लिए और एक दूसरा व्यक्ति तैयार है। जो लोग कष्ट में है उन लोगों को मदद करने के लिए और कोई तैयार है, और जो लोग स्टेशन में रेलगाड़ी की इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, वह रेलगाड़ी आती है, आकर क्या करता है, इन लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। तो अपने मंजिल या अपना वे लोग कहां जाने वाले हैं, वहां तक वह रेलगाड़ी उन लोगों को पहुंचाती है। तो अपना लक्ष्य वे लोग पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह दूसरे लोगों को मदद करना हो या उन लोगों को एक स्थल से दूसरे स्थल तक पहुंचाना हो, यह सब काम क्या हो रहे हैं, एक अच्छी तरह से, सरल तरीके से, आसान रूप से चल रहे हैं। यह सब देखकर लेखिका कहती है कि तो एक अच्छी तरीके में यह सब चल रहा है, ठीक है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। यह सब एक संदर्भ या वह वातावरण देखकर लेखिका कहती है अभी या अब तक कठिन समय नहीं आया है, ठीक है। तो उसमें कुछ कठिनाई नहीं है बच्चों, पद्य समझने के लिए बहुत आसान है, ठीक है, आप सरल तरीके से सुन समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्या हुआ, ये पहला पद, मतलब वहां से वहां तक हम भाग कर लिए थे, वहां तक ये पहला पद का भावार्थ हुआ बच्चों। और दूसरा पद आगे, अभी भी कहता है कोई किसी को, वहां से लेकर सबसे कठिन समय नहीं, वहां तक हम दूसरा पद कर लिए हैं, तो उसका भावार्थ देखेंगे। तो उससे पहले तो इस, अब क्या हम पहले पद का भावार्थ अब चर्चा किए हैं, तो उसका एक व्याख्या देख लीजिए। जया जी के अनुसार चाहे आज चारों ओर अविश्वास फैला है, किंतु अभी भी उनके मन में आशा की एक किरण बची है। वह कहती है कि यह सबसे बुरा समय नहीं है। अभी चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनका बटोर रही है। अभी भी पेड़ से टूटकर गिरने वाली पत्ती को थामने वाला एक हाथ बचा हुआ है। अभी भी स्टेशन पर इंतजार करने वाले यात्रियों को अपने सही स्थान पर पहुंचाने के लिए एक ट्रेन आती है। इसका वाक्य है पहला पद का, मतलब इसका अर्थ यह होता है कि इस दुनिया पर हर एक व्यक्ति को मदद करने के लिए और एक दूसरा चीज हो या वस्तु हो अभी है इस दुनिया में, ठीक है। जो लोग इंतजार कर रहे हैं वे रेलगाड़ी की इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो उन लोगों को अपनी वे लोग कहाँ जा रहे हैं, वहां तक पहुंचाने के लिए एक रेलगाड़ी आ रही है, तो उसकी इंतजार करते हुए वे लोग उधर बैठ गए हैं, समझ में आ रहे ना। इस तरह यह हर एक काम बहुत सरल तरीके से चल रहे हैं, आसान रूप से सभी काम चल रहे हैं। यह सब देखकर लेखिका के मन में यह भावना उत्पन्न हो रहा है कि यह कठिन समय नहीं है, ठीक है। इस तरह तो पहला पद का भावार्थ हुआ बच्चों। आइए दूसरा पद कहां से कहां तक की हम देखेंगे, और दूसरा पद अभी भी कहता है, अभी भी कहता
कहता है कोई किसी को किसी को वहां से लेकर अंत में, यह सबसे कठिन समय नहीं, लास्ट यहां तक क्या है, लास्ट है। तो अब दूसरा पद क्या हम कर लिए हैं, भाग किए हैं, तो उसका दूसरा पद का भार तो हम देखेंगे बच्चों, ठीक है। कल जिस तरह मैं आपको सुनाया उसी तरह आज भी मैं कहता हूँ, मतलब पढ़ता हूँ भार तो आप क्या करना है, ठीक तरह से सुनकर, ध्यान से सुनकर वहाँ भार तो आप क्या करना है, आपकी किताब में लिखना है। देख लो बच्चों दूसरा पद, देख लो बच्चों भावार्थ, अभी भी कोई किसी का इंतजार करता है, उसे पुकारता है और कहता है सूरज डूबने का समय हो गया है कि तुम लौट आओ। खुल पाए। अभी भी बूढ़ी दादी नानी पुरानी कहानियां सुनाती है, उसकी अंतिम हिस्से को बहुत ही रोचक तरीके से सुनाते हैं। फुल पॉइंट। दुनिया के बहुत सारे बच्चों को बूढ़ी दादी नानी अभी भी पारियों की कहानी, अंतरिक्ष की कहानी सुनाती है। यहां पर लेखिका एक अन्य उदाहरण देती है कि जब दादी नानी बच्चों को अपनी अंतरिक्ष की कहानियां सुनाती रहेगी, दूसरे ग्रहों की कहानियां सुनती रहेगी, तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि अब कठिन समय की शुरुआत हो गई है। फुल पॉइंट। यह सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि सभी क्रियाकलाप सहज और सरल तरीके से हो रहे हैं, सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं, तो यह नहीं कहा जा सकता कि कठिन समय आ गया है। ठीक है, यहां तक बच्चों ये दूसरा पद का भाव, दूसरा पद मतलब इधर मैं लिखा हूं कहां से कहां तक है। ठीक है, देख लो तो किताब में पढ़ता हूं, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही, सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है, एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय है नहीं। इसका अर्थ होता है कि तो दादी नाना नानी, दादी नानी दोनों का अर्थ एक ही होता है। ठीक है, दादी नानी क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को धरती का नहीं, ठीक है, अंतरिक्ष यान और दूसरे ग्रहों का कहानियां बच्चों को सुनाती है, समझ में रहे ना। और दादी माँ भी अनेक ग्रहों के बारे में कहानियां सुनी है। यह सब विषय समझकर वह नानी क्या कर रही है, उन बच्चों को दुनिया के पार स्थल के, मतलब दुनिया के अलावा दूसरे ग्रहों के बारे में वह नानी समझकर उन बच्चों को उसके बारे में कहानियां सुना रही है। ठीक है, यह सब विषय देखकर, अंतरिक्ष की कहानी हो, ठीक है, और दूसरे ग्रह की कहानी हो, ऐसे अनेक विषय उन बच्चों को वह नानी सुना रही है। यह सब विषय एक सरल रूप से हो या आसान रूप से, सभी क्रियाकलाप चल रहे हैं, सभी क्रिया चल रहे हैं। यह सब देखकर लेखिका को ऐसा हो रहा है कि अभी कठिन समय नहीं आया है, और यह कठिन समय नहीं है,
ठीक है। इस तरह लेखिका जया जायदानी या धरती पर की सब हालत ठीक है देखकर क्या करते हैं, लेखिका के मन में क्या विषय है, क्या कौन सा भाव उभरता है, तो उसे उन्होंने क्या करते हैं हमारे साथ बांट ले रही है। तो बच्चों अब क्या है, दूसरा पद का भावार्थ अब सुने हैं आप, वह सुनकर ध्यान से सुनकर आप क्या करना है किताब में लिख लेना है। तो अगले कक्षा में हम फिर क्या करेंगे इस दूसरा पद का भावार्थ ठीक है फिर और एक बार चर्चा करेंगे ठीक है। तो यहाँ तक बच्चों आप इस पद का भावार्थ नए शब्द और सारांश मतलब भावार्थ यह सब सुन लिए है। कल और एक बार दूसरा पद का भावार्थ हम चर्चा किए तो यह पूरा पद्य क्या होता है समाप्त हो जाता है। तो आगे पद्य के पीछे ठीक है कुछ प्रश्न है, तो कल मतलब पिछले कक्षा में हम दूसरा पद का भावार्थ और एक बार चर्चा करते हुए तो पद्य के पीछे क्या प्रश्न है उन प्रश्नों का भी हम क्या करेंगे चर्चा करेंगे ठीक है। बच्चा आप देख लिए है कवयित्री की मन में यह सबसे कठिन समय नहीं इस तरह के एक भाव क्यों उत्पन्न हुआ है उसके लिए उन्होंने अनेक उदाहरण लेकर ठीक है। तो ऐसा एक भाव लेखिका के मन में क्यों उत्पन्न हुआ है क्यों पैदा हुआ है तो उसे हमें समझाने के लिए उन्होंने बहुत सारे उदाहरण लिए। ये सब उदाहरण प्रकृति के ही है, प्रकृति के अनेक उदाहरण लेकर अनेक विषयों को लेकर लेखिका हमें समझाने के लिए कोशिश की है ठीक है। तो मतलब इसका अर्थ यह होता है कि सभी काम अपने आप चलते हैं ठीक है, हर एक काम में हो या हर एक व्यक्ति को मदद करने के लिए और एक कोई चीज हो या कोई व्यक्ति हो अवश्य रहता है। यह सोचकर हम क्या करना है, हम अपने काम को पूरा करने के लिए कोशिश करना है ठीक है बच्चों। तो दूसरा पद का भावार्थ हम फिर और एक बार अगले कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।